फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मलिका ताजा शहने में स्वागत है आपका। चिकन की हलीम की रेसिपी शुरू करना चाहती हूँ मैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ फ्रेंड्स, प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्लीज़ फ्रेंड्स ऐसे सपोर्ट करते रहना फ्रेंड्स, मैं अच्छे अच्छे रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ। चलिए फ्रेंड्स, किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है दिखाती हूँ मैं। फ्रेंड्स मैं 1/2 किलो गेहूं के बना रही हूँ। एक हलीम के गेहूं कहीं भी क्रैनी स्टोर में अवेलेबल मिल जाएंगे आपको। देखिए फ्रेंड्स ये गेहूं इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, आप जो भी क्रैनी स्टोर में जाके पूछिए और अवेलेबल मिल जाएंगे। और 1 कप चावल ले लिया है मैंने, 1 कप मूंग की दाल और 1 कप माश की दाल। और इसको एक पैन में डाल देंगे, गेहूं को पहले अलग से भिगो के रख देंगे इसको, और अलग पैन ले लेंगे फिर से, और इसमें राइस को डाल देंगे और 1 कप वो मूंग की दाल डाल देंगे इसमें, और इसमें माश की दाल डाल देंगे, और 3 दालों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसमें थोड़ा पानी डाल के इसी को भी भिगो के रख देंगे। 2 से 3 घंटों के लिए रख दिया था मैंने भिगो के, और इसमें एक कुकर में डालेंगे इसमें और सारे दालों को डाल देंगे। गेहूं और दालों को पूरी तरह से डाल देंगे और पानी दुगना होना चाहिए, और इसे सीटी के लिए रख देते हैं, 5 से 6 सीटी के लिए रख देते हैं। और अलग से पैन ले लेंगे और इसमें ऑयल डालेंगे, ऑनियन को फ्राई कर लेंगे गोल्डन होने तक, और काजू को भी फ्राई करेंगे। बहुत टेस्ट लगते हैं काजू हलीम में, बहुत मज़ेदार लगते हैं। आप भी देखिए फ्रेंड्स, काजू भी रेडी हो चुके हैं और ऑनियन भी रेडी हो चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स ये दोनों कितने सुंदर लग रहे हैं, और ऑनियन और काजू फ्राई होके रेडी हो चुके हैं। और आखनी को रेडी कर लेंगे इसमें, और ऑयल डालेंगे, थोड़ी ऑनियन डालेंगे, थोड़ा पुदीना डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे इसमें, इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। 4 से 5 हरी मिर्ची डालेंगे इसमें, 1 टमाटर डालेंगे इसमें, इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। चिकन को अच्छी तरह से 2-3 पानी से अच्छी तरह से वॉश कर दिया था मैंने, और चिकन को इसमें ट्रांसफर कर देंगे, और 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर 2 स्पून डाल रही हूँ मैं, और इसमें चिकन का मसाला डालेंगे, इसको अच्छी तरह से सारे मसालों को भून लेंगे, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, और इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, पांच से 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं चिकन अच्छी तरह से गल जाए। ये देखेंगे कि गेहूं और दालों गली हुए नहीं, पूरी तरह से गल चुके हैं ये, तो एक पैन में ट्रांसफर कर देंगे, इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं गैस में। और अखनी भी रेडी हो चुकी है, और अखनी को इसमें ट्रांसफर कर देंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे 5 मिनट के लिए पकने के लिए, दोनों को छोड़ देते हैं। बबल्स आने तक पकाएंगे इसे, हलीम को इस तरह से हलाते रहिए फ्रेंड्स, क्योंकि कहीं भी नीचे ना लग ना जाए, लगने से और टेस्ट चला जाता है इसका। देखिए फ्रेंड्स ये तो रेडी हो रही है, इसको और 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए फ्रेंड्स चिकन और
दालों पूरी तरह से मिक्स हो चुके हैं और इसमें उबाल्स आ रहे हैं और इसमें बिरयानी मसाला डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, ठंडे के लिए छोड़ देते हैं। और इसमें मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये तो ग्राइंड हो चुका है, पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, ग्राइंड भी हो चुका है। इसे 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। पूरी तरह से ठंडी हो चुकी थी वो, इसलिए 2 मिनट के लिए पका देते हैं और सर्व करेंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, वाओ कितनी सुंदर लग रही है ये हलीम। रमज़ान में बहुत स्पेशल हलीम है ये, सबका ऑलवेस्ट फेवरेट है ये। देखिए फ्रेंड्स, हलीम डालेंगे, ऑनियन डालेंगे, काजू डालेंगे, इसमें हरिया धनिया डालेंगे। आप भी ऐसे ही करके खाइए फ्रेंड्स। और इसमें हो चुकी है सर्व, हो चुकी है, आप भी जरूर बनाना ना भूले, रमजान में बहुत स्पेशल है ये। और इसमें थोड़ा ऑयल डालेंगे, आप भी जरूर बनाइए फ्रेंड्स। आपकी हलीम कैसी बनी हुई थी? मेरी तो बहुत अच्छी बनी हुई थी, बहुत अच्छी है ये। आप भी जरूर बनाना ना भूले, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए प्लीज फ्रेंड्स, ऐसे सपोर्ट करते रहना फ्रेंड्स, मैं अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करूंगी। चलिए फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।